सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो गया है। ये महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। इस महीने से ही चतुर्मास शुरू हो जाता है। साल का ये समय पूजा पाठ तप साधना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल सावन का महीना और भी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत के समय बेहद शुभ संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि इस साल सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन में सोमवार व्रत करने व शिव पूजन का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जो भक्त सावन के महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी हर एक मुराद पूरी हो जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। तो चलिए आपको सावन महीने में की जाने वाली पूजा विधि और उन खास उपायों के बारे में बताते हैं, जिन्हें करके आपको आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल न्यूज निश्चित श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सावन 2022 पूजा विधि। सावन के महीने में रोजाना पूजा करना चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत लाभ देता है। सावन महीने में रोजाना सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, भोलेनाथ को बेलपत्र, पंचामृत, फल फूल अर्पित करें, आखिर में आरती करें, सावन सोमवार के व्रत करें और इस दिन पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक करें। सावन माह के ज्योतिषीय उपाय। सावन के महीने में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शंकर का पंचामृत से अभिषेक करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानी समाप्त हो जाती है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए सावन के सोमवार को अनार के रस से शिव शंभु का अभिषेक करें। अगर शादीशुदा जोड़े सावन के सभी सोमवार का व्रत रखते हैं तो उनके जीवन की सभी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। सावन के किसी सोमवार को केवल एक बार सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से परिवार के सभी सदस्यों को रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के लिए श्रावण मास की शिवरात्रि पर माता पार्वती को चांदी की बिछिया या पायल अर्पित करने से धन आगमन के नए अवसर प्राप्त होंगे। श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।